ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर ले रहे हैं हिंद स्वराज का, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। ये 13th चैप्टर है आपका और टाइटल है हिंद स्वराज का चैप्टर है, ये हिंद स्वराज से लिया गया है और नाम है इसका व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन। ओके, दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन। सभ्यता क्या है या सच्ची सभ्यता क्या है, ट्रू सिविलाइजेशन किसे कहेंगे या ट्रू सिविलाइजेशन क्या होती है। एग्जाम में शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार हम टेक्स्ट समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने किसे बताया है कि ट्रू सिविलाइजेशन या सच्ची सभ्यता क्या है। रीडर और एडिटर के थ्रू उन्होंने ये बहुत अच्छा कंसेप्ट प्रोवाइड किया है। रीडर, व्हाट ही सेज, You have denounced railways, lawyers and doctors. Okay, you have denounced railways, lawyers and doctors. आपने रेल को भी डिनाउंस कर दिया, आप मीन्स यू आर गोइंग टू कंडेम रेलवे। आपने रेलवे को भी डिनाउंस किया है, आपने लॉयर्स को भी एक तरीके से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनको कंडम कर दिया। आपने रेलों को भी रद्द कर दिया, आपने वकीलों की भी आप निंदा कर रही हैं, उनको भी क्रिटिसाइज कर रही हैं। इवन आप डॉक्टर्स को भी डिनाउंस कर रही हैं, उनकी भी आप, उनको भी आप कंडम या क्रिटिसाइज कर रही हैं। आई कैन सी दैट यू विल डिस्कार्ड ऑल मशीनरी। और इतना ही नहीं, जितनी भी मशीन हैं आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनको भी क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। आप उनको भी हार्मफुल मानेंगे, आप उनको भी डेंजरस मानेंगे, आप उनको भी रिजेक्ट कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग सभी क्या हैं, जितने भी रेलवेज, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड इवन द मशीन, मशीन को भी आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन, फिर सिविलाइजेशन क्या है, किसे कहेंगे फिर आप सिविलाइजेशन, सभ्यता फिर है क्या। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क है, मीन्स दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय अ रीडर टू द एडिटर। ओके, क्वेश्चन पुट अप कर रही हैं कि फिर सिविलाइजेशन है क्या, किसे कहेंगे हम, क्या सभ्यता, ओके सिविलाइजेशन हम किसे कहेंगे। नाउ दिस इज द आंसर। अब देखिए एडिटर क्या बता रही हैं रीडर को, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। आपको अगर लग रहा है कि इसका आंसर देना काफ़ी डिफिकल्ट है कि ट्रू सिविलाइजेशन क्या है, सच्ची सभ्यता क्या है, तो इसका आंसर इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन India has evolved is not to be beaten in the world and it is true। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या लिख रहे हैं कि मैं मानता हूँ, ओके आई बिलीव, मैं मानता हूँ या मेरा ये विश्वास है कि जो कल्चर, जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता हमें किसने दी है, किसने सिखाई है, हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे इंडिया ने, जो सभ्यता हमें हिंदुस्तान ने दी है या सिखाई है या दिखाई है, उसको पूरे वर्ल्ड में, उसको पूरी दुनिया में कोई भी क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता, वहाँ तक कोई भी पहुँच नहीं सकता जो सिविलाइजेशन इंडिया के पास है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट दैट हैज़ बीन गिवन बाय महात्मा गांधी, कि जो सभ्यता इंडिया के पास है, हिंदुस्तान या भारत के पास है, मेरा मानना है कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है और वो इतनी टॉप पर है, वो इतनी हाई पीक पर है कि वहाँ तक कोई भी जा नहीं सकता, मीन्स दुनिया में कोई भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता इन द वर्ल्ड। ओके, पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई अवर एंसेस्टर्स, और कोई भी इक्वल नहीं है, दैट इज़ कि जो भी हमारे पुरखे, हमारे जो भी पूर्वज कहेंगे हम, एंसेस्टर्स जिसको हम कह सकते हैं, कि जो भी हमारे पूर्वज हैं या हमारे पुरखों रहे हैं, जो भी बीज, ओके सीड्स, जो भी बीज उन्होंने बोए हैं, किसने बोए हैं, बाय अवर एंसेस्टर्स, जो भी हमारे पूर्वजों ने बीज बोए हैं, और उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, किसी से भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मीन्स हमारे पूर्वज जो हमें सिखा कर गए हैं, जो हमें सभ्यता, कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, ओके एवरीथिंग, जो भी वो हमें देकर गए हैं, उसकी किसी भी चीज़ से हम क्या नहीं कर सकते, कम
पेयर नहीं कर सकते, वो किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है. ओके, नथिंग कैन बी कंपेयर विद दोज सीड्स और विद दोज सिविलाइजेशन दैट हैज़ बीन गिवन टू अस बाई अवर एनसेस्टर्स. रोम वेंट. अब देखिए बहुत अच्छे वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई भी चीज़ पूरे वर्ल्ड में देखने में नहीं आई और देखी नहीं जा सकती. रोम वेंट, व्हाट डज इट मीन रोम वेंट? दैट इज़ द कंट्री. अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ट्रू सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, रोम वेंट, दैट इज जिसे हम कह सकते हैं कि देखिए रोम चला गया. रोम जाने से मतलब रोम मिट्टी में मिल गया. ओके, रोम मिट्टी में मिल गया या रोम का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, ख़त्म हो गया. रोम वेंट, रोम चला गया. ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट. ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो किसका हुआ, रोम का हुआ. ग्रीस शेयर द सेम फेट. ग्रीस का भी सिर्फ क्या रह गया, नाम ही रह गया. द माइट ऑफ द फेराहोस वॉज ब्रोकन. इवन जो फेराहोस थे, दैट इज इजिप्ट कह सकते हैं हम, जो इजिप्ट की एक पावर थी या उसकी जो एक बादशाह था, वो भी उसकी क्या हो गई, टूट गई, वो भी उसकी पावर चली गई. जापान हैज़ बिकम इवन वेस्टर्नाइज्ड. और जापान ने भी किस कल्चर को एडोप्ट कर लिया या किस कल्चर को वो फॉलो कर रहा है, वो भी किसके शिकंजे में फंस गया. ओके, जापान, अगर देखा जाए तो जापान की अपनी सिविलाइजेशन, अपनी कल्चर को वो भूल गया या उसकी अपनी कल्चर नहीं है, या वो भी किसको फॉलो करने लगा, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को. जापान भी क्या बन चुका है, क्या हो चुका है, कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है. ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, एंड वॉट टू से अबाउट चाइना. और चाइना के बारे में तो क्या कहें, चाइना के बारे में अगर कुछ ना कहें तो दैट विल बी बेटर. ओके, दैट इज बींग सेड बाई महात्मा गांधी. और चाइना का सबको पता है चाइना के बारे में क्या कहा जा सकता है. बट नाउ ही इज कमिंग टू द पॉइंट, टू द इंडियन सिविलाइजेशन. जब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर रोम, ग्रीस, इजिप्ट, जापान एंड इवन चाइना, देन ही सेज बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन आज भी somehow or other sound at the foundation. लेकिन ये इंडिया ही है, ये भारत ही है, चाहे जैसा भी हो. ओके, चाहे जैसा भी हो, दैट इज somehow or other, किसी भी तरीके से, कैसे ना कैसे, किसी जिसे हम कह सकते हैं कि टूटा फूटा है या कैसा भी है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा भी है. ओके, वॉट एवर, लेकिन आज भी भारत कहाँ खड़ा हुआ है, कैसे मजबूत है, आज भी स्ट्रॉन्ग है. किस में स्ट्रॉन्ग है, आज भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इसकी फाउंडेशन को क्या कर सके, जरा सभी हिला सके. आज भी इसकी नींव, इसकी बुनियाद पूरी तरह से मजबूत है, चाहे वो कैसी भी है, कुछ भी है. बट इंडिया इज स्टिल somehow or other sound at the foundation. मीन्स आज भी अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को ये क्या कर रहा है, इसने पूरी स्ट्रेंथ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अपनी इस पर ग्रिप बनाई हुई है. मीन्स कोई भी पूरे वर्ल्ड में अब तक ऐसी सिविलाइजेशन या ऐसी कल्चर नहीं हुई है जो इंडिया की कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को क्या कर सके, इफ़ेक्ट कर सके, या इसे भुला दिया जा सके, या इसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सके. नहीं, ऐसा आज भी, ये बहुत बड़ी बात कही है महात्मा गांधी जी ने कि, लेकिन इंडिया के साथ आज भी ऐसा नहीं हुआ. जबकि जो अदर कंट्रीज थे वो सब कहीं ना कहीं उनका एग्जिस्टेंस या तो ख़त्म हो चुका है या वो दूसरी सिविलाइजेशन को उन्होंने फॉलो कर लिया है. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम. दैट इज वो लोग जो कहीं ना कहीं, जो कौन से लोग, यूरोप के लोग, वो सीखते हैं अपने लेसन्स कहाँ से, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम. मीन्स जो रोम से या जो ग्रीस कंट्री से गिर चुके हैं, राइट, उनकी किताबों से यूरोप के लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनकी गलतियाँ भी नहीं करेंगे. उनको ऐसा लगता है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस ओ रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. जबकि आज उनकी वो यश या उनका वो सम्मान, उनका वो एग्जिस्टेंस नहीं है. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम
देम एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं, ऐसा वो प्राइड फील करती हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं राइट वो गलतियां नहीं करेंगे. और उनकी उनकी बुक्स से उनके लेसन्स वो कोशिश करते हैं यूरोप के पीपल कि वो वहाँ से सीखें. और उनकी उनकी हालत कैसी है, दैट इज़ द यूरोपियंस इमेजन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम. तो जो यूरोप के पीपल हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, वो अपनी कल्चर कहें या सिविलाइजेशन, या वो कहाँ से लेसन्स ले रहे हैं, जो भी राइटिंग्स लिखी है किसने, किन लोगों ने लिखी है, ग्रीस और रोम के लोगों ने लिखी है. और उन्हें लगता है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं, ओके, जो गलतियां अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि जो गलतियां ग्रीस और रोम ने की है वो गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा कौन सोचते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप. सच इज देयर पिटेबल कंडीशन. और ये उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी काफ़ी ये पिटेबल कंडीशन है, मीन्स अगर कहा जाए तो उनकी उनकी हालत कैसी है, काफ़ी पुअर है, काफ़ी पिटेबल उनकी हालत है. एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी उनकी एक वर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि अच्छी हालत नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि दयनीय हालत होती है, जो पिटेबल हालत है, जिस पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मर्सी शो या सिंपैथी ही शो कर सकते हैं, तरस ही खा सकते हैं, ऐसी उनकी हालत हो चुकी है. सच इज देयर पिटेबल कंडीशन. इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल. और इन सबके बीच में राइट इन सबके बीच में सिर्फ एक भारत या सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है जो क्या रहता है, इमूवेबल, जो पूरी तरह से जिसको कोई भी हिला नहीं सकता, जिसे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. बहुत सारी कल्चर आई गई, कितनी सभ्यता आई और गई, लेकिन कोई भी इंडिया को क्या नहीं कर पाई उसकी अपनी जगह से, ओके, फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन को क्या नहीं कर पाई, जरा सा भी मूव या इफ़ेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन कैसी है, इट ऑलवेज रिमेन इमूवेबल. एंड दैट इज़ हर ग्लोरी. और यही तो ग्लोरी है, किसकी ग्लोरी, यही तो हमारे भारत की या हमारे हिंदुस्तान की ग्लोरी है कि आज तक कोई भी इसकी सिविलाइजेशन के इक्वल भी नहीं हो पाया, वहाँ तक कोई आ ही नहीं पाया. सो इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत कैसा है, भारत अचल है, अडिग है, और पूरी तरह से इतना मजबूत है. और यही मजबूती, यही इमूवेबलनेस, ओके, यही स्ट्रेंथ, यही पावर है उसकी, यही उसका एक तरीके से ग्लोरी है. ग्लोरी दैट इज़ यही उसका आभूषण है, यही उसकी उसका यश है, यही तो है सब कुछ उसके लिए. अगर उसकी ये ग्लोरी ही चली जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचा. मीन्स अगर एक कंट्री अपनी सिविलाइजेशन को खो दे, अपनी सभ्यता ही उसके पास ना हो, तो फिर वो कंट्री कंट्री नहीं है, फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि उसी में उसकी शान है, आन है, बान है, वही उसका सब कुछ है. एक कंट्री के लिए, चाहे वो कोई भी देश है, उसके लिए उसकी सभ्यता या उसकी कल्चर ही उसके लिए सब कुछ होता है. ओके, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया. अब देखिए, इंडिया पर एक एलिगेशन लगाया जाता है, इंडिया पर एक चार्ज लगाया जाता है, या एक चार्ज है किसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट. और वो क्या है राइट, वो क्या चार्ज, दैट इज़ वो एक आरोप लगाया जाता है, वो क्या आरोप है, क्या एलिगेशन है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड. और ये क्या चार्ज लगाया जाता है हमेशा इंडिया पर, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं. ओके, जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे देश हैं, विदेश हैं, जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड भी नहीं हैं, उनके माइंड में हमेशा इंडिया के लिए एक इमेज है. और वो हमेशा किस तरह की इमेज है, कि जो इंडियंस होते हैं, जो भारत के लोग होते हैं, वो कैसे हैं, दे आर अनसिविलाइज्ड. ओके, वो उनके अंदर सिविलाइजेशन नहीं है. वो कह सकते हैं, अगर एक एक वर्ड यूज़ किया जाए, सैवेज, वाइल्ड, यू नो, कि किसे कहते हैं अनसिविलाइज्ड. अगर बिल्कुल एक प्योर लैंग्वेज में आपको बताया जाए, जब हम कहते हैं यू आर अनसिविलाइज्ड, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मैनर्स, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिविलाइजेशन, तो
आप वेल मैनर्ड नहीं है, जब इस तरह के हम वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसे जंगली वर्ड कहा जाता है, राइट, जो इंडिया के पीपल के बारे में सोचा जाता है कि वो कैसे हैं, दे आर जस्ट लाइक सैवेज, दे आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट, दे आर स्टोलिड, कि वो कैसी हैं, वो इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, सैविज हैं, इल मैनर्ड हैं, या अनसिविलाइज्ड हैं, स्टोलिड हैं, राइट, इस तरह के वर्ड उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडोप्ट एनी चेंजेस, और ये भी एक एलिगेशन है, ये भी सोचा जाता है, माना जाता है, किसके बारे में, इंडिया के बारे में, कि जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है या काफ़ी मुश्किल है उनको चेंज करना, मीन्स आप उनमें कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यू कैन नेवर मेक अ चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर पर्सनैलिटी, इन देयर थिंकिंग, वो इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, आप उनको कितना भी समझा लीजिए, इतने स्टॉलिड या अनसिविलाइज्ड, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप उनमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते। मीन्स इंडियन पीपल क्योंकि क्या है, इमूवेबल हैं, राइट, वो किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, इम्प्रेस नहीं होते, तो उनमें कोई भी चेंज लाना पॉसिबल है ही नहीं। ये चार्ज है किसके अगेंस्ट, इंडियन पीपल के अगेंस्ट, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, उनको चेंजेस पसंद ही नहीं है, वो जैसे उनकी थिंकिंग है, जैसे उनकी सिविलाइजेशन है, वो जैसे रह रहे हैं, वो उसी में खुश हैं, उसी में वो सेटिस्फाइड हैं, और वो किसी भी तरह के चेंजेस पसंद नहीं करते। वो डज इट मीन दैट दे डोंट लाइक टू पेस विद द टाइम, कि वो टाइम के साथ चलना पसंद नहीं करते, ओके, ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं हिंद स्वराज में, कि ये एलिगेशंस हैं अगेंस्ट इंडिया, ओके, सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मैरिट। और ये किस तरह का एलिगेशन है, किस तरह का चार्ज है, तो अब देखिए वो इसे क्या मानते हैं, वो इसे हमारी एक तरह से वाइस मानते हैं, हमारी डिमेरिट मानते हैं, वो इसे हमारी बुराई मानते हैं, हमारा दोष मानते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो ये एक तरह से क्या है, दैट इज़ वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। वो मानते हैं कि ये हमारा गुण नहीं है, ये हमारी मेरिट नहीं है, बल्कि ये हमारी बुराई है, वो एक तरीके से इसे हमारे अंदर गलत तरीके से देखते हैं कि हमारी नेगेटिविटी है, जबकि ये हमारी बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी सिविलाइजेशन या अपनी कल्चर को चेंज करना पसंद नहीं करते, हम उस पर प्राइड फील करते हैं, हम दूसरे कंट्री को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए वी मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, नॉट बी चार्ज्ड। तो यहाँ पर ये हमारी डिमेरिट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारी मेरिट है, ओके, ये हमारी बुराई नहीं है, बल्कि ये हमारी अच्छाई है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, और ये एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी अपने एक्सपीरियंस से हमें ठीक लगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर बात आई थी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ये सब जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन हमारी नहीं, बल्कि इसके बीज किसने बोए थे, ये जो सीड्स थे देवर सोन बाई अवर एंसेस्टर्स, और हमारे एंसेस्टर्स दे हैड बीन वेरी एक्सपीरियंस्ड, राइट, दे हैव बीन वेरी लर्निंग मैन ऑफ लर्निंग रहे हैं, तो ये उनका एक्सपीरियंस रहा है, अपने अनुभव से उन्होंने जो भी हमें दिया वो हमारे लिए किया है, दैट इज़ बेस्ट, और क्योंकि हमें पूरा विश्वास है अपने एंसेस्टर्स पर, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या हैं, हमारे लिए हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, हमारे वो सब कुछ हैं हमारे लिए, तो अगर वो हमें कुछ देकर गए हैं, अगर हमें एक ट्रैक पर उन्होंने रखा है, अगर कोई हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है और हम उसी पर चल रहे हैं बिना किसी चेंज के, बिना किसी से किसी को फॉलो किए ब्लाइंडली या बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, तो इसमें क्या गलत है अगर हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है, उनको जो भी अपने अनुभव से सही लगा उन्होंने वही किया ना, और अपने एक्सपीरियंस से जो हमें ठीक लग रहा है हम तभी तो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसे चेंज क्यों करेंगे, ओके, व्हाई शुड वी डेयर नॉट चेंज, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम क्यों चेंज करें, जो चीज़, जो सिविलाइजेशन
हमारे लिए गलत ही नहीं है, तो उसे हम दूसरों के कहने में आकर चेंज क्यों करें, जबकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि वो बिल्कुल सही है। अगर हम, ये तो हमारी ग्लोरी है ना, यही तो हमारी शान है, अगर हम इमूवेबल हैं तो हमें इस पर प्राइड है और उसमें हमें किसी भी तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज, और हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम किसी भी तरह से उनमें कोई भी चेंजेस लाएं, और ना ही हम ये प्रेफर करेंगे, ओके, हम ये पसंद भी नहीं करेंगे कि हम उनमें चेंजेस लाएं। सो आई डोंट वांट टू ड्रो द वीडियो, मैं नहीं चाहती कि, देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन काफ़ी लॉन्ग है आपका ये एस्से, तो इसे और ज़रा सा देख लेते हैं और कंप्लीट करा देते हैं, अदरवाइज इसके फिर हमें टू पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बताता नहीं है, समझाता नहीं है, बहुत लोग आते हैं, ये जिसे कहा भी जाता है कि एडवाइस देने वाले, सलाह देने वाले बहुत होते हैं, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, ओके, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एडवाइसेज, सब अलग अलग लोगों की, सबकी अपनी डिफरेंट एडवाइसेज होते हैं और वो देते भी हैं, और बहुत ज़्यादा एडवाइस दी जाती है किसको, इंडिया को, और दी नहीं जाती बल्कि एक तरीके से हम पर किया की जाती है, इम्पोज की जाती है, थ्रस्ट की जाती है, वो चाहते हैं कि हम उनकी उस एडवाइस को फॉलो करें, उसको माने, एंड शी रिमेन्स स्टडी। तो हमें इतनी एडवाइस दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हम क्या रहते हैं, इमूवेबल, ओके, इतनी ज़्यादा सलाह देने के बाद भी इंडिया क्या करता है, अपने आप को चेंज नहीं करता, वो क्या रहता है, इमूवेबल रहता है, वो किसी भी प्रकार से अपने आप में कोई भी चेंज नहीं लाता, ओके, एंड शी रिमेन्स स्टडी, दिस इज हर ब्यूटी, ओके। देखिए यहाँ पर, देखिए ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, दैट इज हर ग्लोरी, दैट इज हर ग्लोरी, यही तो हमारी ग्लोरी है कि दूसरा हमें बदलना चाह रहा है और हमें ये पता है कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट देखिए कि अगर आपको ये विश्वास है अपने ऊपर कि आप बिल्कुल सही चल रही हैं, तो दूसरा आपको कितनी भी एडवाइस दे, कितना भी आप पर चार्ज लगाए, कितना भी आपको क्रिटिसाइज करे, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो आपको बदलना नहीं है। जब, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, तो जब हमें पता है कि ये हमारी मेरिट है, तो हम क्यों बदले, यही तो हमारी ग्लोरी है, दिस इज हर ब्यूटी, यही तो भारत की ब्यूटी है, भारत की शान है, और एक तरह से कहीं भारत की यही तो मेरिट है कि वो दूसरों के कहने में आता नहीं है, दूसरे कितनी भी उसको समझाएं, कितनी भी उसको गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन वो उनकी बातों में नहीं आता, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। तो ये क्या है, ये हमारी शीट एंकर है, शीट एंकर, यू नो, ये एक जो शेल्टर प्लेस होता है जहाँ पर हम शरण लेते हैं, जब कोई नहीं होता, जब हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं दैट वी आर जस्ट लाइक एन ऑर्फेन, कि हम अनाथ हैं, अकेले हैं, हेल्पलेस है, हमारा कोई भी नहीं है, तो एक तरीके से उस टाइम जब पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं, तो ये सिविलाइजेशन ही तो है जिसकी शरण में हम आते हैं, जिसकी हम शीट एंकर की तरह ये काम करता है, और ये एक तरीके से हमें क्या देता है, शेल्टर देता है, शरण देता है। अब देखिए वही जो आपको ऊपर बताया था कि अगर किसी कंट्री के पास उसकी अपनी सिविलाइजेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपने घर की एक छत नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर आप दूसरों की शेल्टर, दूसरों की शरण में जाओगे, आप कोशिश करोगे कि वो आपको सहारा दें, या आप उनसे हेल्प लेने की कोशिश करोगे ना, तो देन यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अदर्स। लेकिन अब इंडिया के पास यही तो उसकी शीट एंकर है, वो क्या है, ऑफ आवर होप, यही हमारे लिए सब कुछ है, क्या है, हमारी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज, ओके, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। वॉट इज सिविलाइजेशन, ओके, सभ्यता, सभ्यता क्या है, तो सभ्यता वो कंडक्ट है, कंडक्ट एक ऐसा आचरण है, एक बिहेवियर कह सकते हैं, सभ्यता एक ऐसा आचरण है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो क्या करता है, जो जिससे आदमी एक तरह से अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है,
या सच्चे रास्ते पर चलता है, अपना फर्ज अदा करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सभ्यता एक ऐसा आचरण है जिससे हर कोई अगर चाहे तो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सकता है, एक सच्चे सही रास्ते पर चल सकता है। किसके थ्रू? सिविलाइजेशन के थ्रू। तो वो अपना फर्ज अदा करता है। जब हम कहते हैं कि फर्ज अदा करना, तो फर्ज अदा करने का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। आपका जो भी कर्तव्य है, आपकी जो भी ड्यूटी है, आपको जो भी आप जिसे भी आप सही मानते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसका पालन कर रही हैं, उसको निभा रही हैं, मीन्स नीति कह सकते हैं हम, उसका आप अगर पालन कर रही हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, मॉरलिटी जो भी नीति है, जो भी हमारी नैतिकता है, हमारी ईमानदारी है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, उसका उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि किसको फॉलो करना, एक नीति को मानना, मॉरलिटी को फॉलो करना। और जब हम कहते हैं कि मॉरलिटी पर बिलीव करना या मॉरल बनना, तो इसका क्या मतलब होता है? टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड एंड अवर पैशंस। नीति को ऑब्जर्व करना, नीति मॉरलिटी को फॉलो करना, इसका मतलब ये हुआ। तो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर, देखिए, टू अटेन मास्टरी ओवर अवर माइंड एंड अवर पैशन। इसका अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, मॉरलिटी को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि अपने दोनों पर कंट्रोल करना, दोनों का मास्टर बनना, किसका? अपने दिल का भी और अपने दिमाग का भी। और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ वही कर सकता है। अपने मन पर भी कंट्रोल करना, अपने मन का भी मास्टर बनना, और अपनी पैशंस का, पैशंस जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं होती हैं, और अगर देखा जाए तो जिसे हम इंद्रियां बोलते हैं, कि अपने मन को अपने कंट्रोल में करना, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना, उनका मास्टर बनना, जबकि हम उनके क्या बन जाते हैं? स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। तो अगर हम मॉरलिटी को फॉलो कर रहे हैं, और ये सब किसके थ्रू आता है? सभ्यता के थ्रू, सिविलाइजेशन के थ्रू। अगर हम सिविलाइज्ड हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हम क्या होंगे? हम ड्यूटी को फुलफिल करेंगे, हम ड्यूटीफुल होंगे, हम मॉरल हो जाएंगे, और हम मास्टर हो जाएंगे। किसके? ये सब आता है सिर्फ सिविलाइजेशन के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप। और हम मास्टर हो जाएंगे किसके? अपने माइंड के भी और अपने हार्ट के भी। अपनी इच्छाओं के हम गुलाम नहीं होंगे, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो डूइंग, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? वी नो आवर सेल्व्स। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से हमने किसको जान लिया? हमने अपने आप को जान लिया। अगर हम ड्यूटीफुल हैं, अगर हम सिविलाइज्ड हैं, मोरल हैं, मास्टर हैं अपने माइंड और हार्ट के, तो ये समझ लीजिए कि हमने खुद को पहचान लिया। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम खुद को पहचान पा रहे हैं, मीन्स जब हम यहाँ पर कहते हैं कि वी नो आवर सेल्व्स, इस लाइन को समझिए कि अपने आप को जानना, क्योंकि लाइफ का यही सबसे बड़ा एक एम होता है, मिशन होता है कि हम अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचानने से मतलब हमारी रियलिटी क्या है, हमारी असलियत क्या है, असल में हम हैं कौन, क्या हम खुद को पहचानते हैं, क्या हम जानते हैं कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, या हमें किसने भेजा है, हमारा क्या काम है, कौन से मिशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये सब कुछ हम जान जाते हैं। और किसके थ्रू? अगर हम सही और ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने एंसेस्टर्स को रेस्पेक्ट पे करेंगे, अपने कंट्री की सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे, उसके लिए हमारे मन में एक रिगार्ड होगा। द गुजराती इक्विलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और अगर देखा जाए तो देखो, यही सिविलाइजेशन है, यही सभ्यता है। इससे अलग जो भी कुछ है वो सब क्या है? दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस। वो सब बेकार है, वो सब अच्छा नहीं है। द गुजराती इक्विलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ओके, तो यहाँ पर इसको यहीं फिनिश करते हैं। इसको फिर सेकेंड पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लेंदी ऐसी है, इसको सेकेंड पार्ट में आपका कंटिन्यू रखेंगे। आप इसको वेरी शॉर्ट, आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, विद इन फोर लाइंस ओनली।